शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। मंदिर का बहाना बनाकर उसके घर पर थी तुम, और अब सारा दिन उसके साथ रहने के बाद यहाँ आकर खुद को सती सवित्री कहलाना चाहती हो। मैं सब समझ गया हूँ कि तुम ये सब ड्रामा क्यों करती हो, ताकि तुम इस हवेली के ऐशो आराम पा सको और साथ ही साथ उस बेचारे विक्रम के साथ रह जाए, संबंध रख सकता जाए, संबंध रख सकता। तुम इस दुनिया की सबसे गरीबी औरत हो, गरीबी औरत हो। पति के होते हुए एक गैर मर्द का सपना देखती, गैर मर्द का सपना देखती, पति व्रता होने के नाम पर ताग होने के नाम पर ताग हो। तुम चरित्रहीन हो, जो अब बचा ही ना है उसके वास्ते मैं आंसू क्यों बहा रही हूं। हरे त्याग और बलिदान को खड़ो तमगा मिली हुए पदवी मिली हमारे को चरित्रहीन। मैं आपको हमेशा वास्ते मुक्त करती हूँ हमारे उस रिश्ते के बंधन से, इसकी डोर चर चर हो चुकी है। चला दो इसे अपने हाथों से, अंतिम संस्कार कर दो हमारे रिश्ते का। यकीन ही नहीं हो रहा है। I just can't believe it. सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। अगर ये वाकई सच है तो फिर ठाकुर साहब ये खुद से क्या बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है रुक्मी। ये आप क्या बोल रहे हैं ठाकुर साहब? आपका चेहरा कुछ कह रहे हो और आप बोल कुछ रहे हैं, हुआ क्या है? एक ऐसी होनी जिसे मैं कल तक अनहोनी समझ रहा था। रुक्मी मैं रसाल को डांटने गया था क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन गुस्से में मैंने उसे चरित्रहीन कह दिया। के? आपने रसाल को इतनी बड़ी गाली दी और आप बड़े हंस रहे? हाँ रुक्मी, क्योंकि उसके जवाब में जो रसाल ने कहा उसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मुझे रसाल पर गुस्सा नहीं बल्कि खुद पर हंसी आ रही है कि आज तक मैं रसाल को समझ ही नहीं पाया। विक्रम 11 बज चुके हैं, थारे को 9 बजे दवाई लेनी थी। रसाल ना आने वाली है तो कब तक उसकी वाट देखते रहोगे? जब तक रसाल ना आवेगी तब तक। पावलो हो गया तू, उसने बात कहने वास्ते थारे को बोल दिया था कल। अगर उसने आना होता तो मंदिर जाकर आ गई होती। रसाल ना आने वाली है तो उसके वास्ते अपनी सेहत ना खराब कर, यो खाले थारी को दवाई भी लेनी है ना। भाभी साहब जब रसाल आकर मारे से लड़ेगी कहेगी कि वादा करने के बाद भी मैंने उसकी वाट ना देखी, दवाई खा ली, तब के जवाब दूंगा रसाल ने? वादा तोड़ना तो अब रसाल की आदत में शामिल है, कहीं वो एक बार फिर मारे देवर ने झूठी उम्मीद ना दे दे। भाभी साहब अब खाना लेकर अभी भी अटे ही खड़ी है, जाकर देखो रसाल द्वार पर खड़ी होवेगी। विक्रम काहे जिद कर रहे हो? रसाल ने आना होता तो कब की आ चुकी होती, उसने थारे से सुबह आने को कहा था। तू खा ले, मारे को थारी सेहत की फिक्र हो रही है। भाभी साहब और आपकी बातों से मारे को परेशानी हो रही है, जब मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं रसाल के आए बिना कुछ भी ना खाऊंगा तो आप मारे को काहे फोर्स कर रही है? मारो दिल कह रहे हो भाभी साहब रसाल आवेगी, जरूर आवेगी, मैं उसे दिया हुआ वादों ना तोड़ूंगा। बस ठीक है, थारे को तो इंतजार करने की बीमारी लग गई है, तो कर अपनी मनमानी, मैं खाना अट्ठे रख कर जाऊं।
आपने रसाल को घनी चोट पहुंचाई है ठाकुर साहब, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर कहे कि आपने ऐसा, जे रसाल मारे से नफरत करे है तो कहीं ना कहीं वो अपने नजरिए से सही है। ये मिल गया आपको ठाकुर साहब, रसाल से रिश्ता तोड़ने जैसी बात कहवाकर, और उस पर आप एकले बैठे हंस रहे हैं। आप इतने कठोर तो ना थे ठाकुर साहब, इतनी कड़वी बात कह दी आपने रसाल से। कभी कभी कठोरता से कही गई बात सच्चाई का आईना दिखा देती है, और फिर सच्चाई तो होती है कड़वी। मैं इसलिए हंस रहा हूं रुक्मी के, कल तक हमने रसाल और विक्रम को मिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रसाल विक्रम की सूरत तक नहीं देखना चाहती थी, और आज मेरे उस पर तोहमत लगाने का नतीजा ये हुआ कि वो हर उस पिछली घड़ी को कोसने लगी जब से वो मेरी जिंदगी में आई, या ये कह लो कि जब से उसे विक्रम से दूर किया गया। और आज तो उसने मेरे सामने हमारी शादी की एल्बम फेंक दी, उसने कहा कि अब वो मुझ पर पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं जताएगी, और ये सब कुछ हुआ उसके विक्रम से मिलकर आने के बाद। तुम समझ रही हो ना रुक्मी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा यकीन करो रुक्मी, मैं रसाल को सिर्फ इसलिए डांटने गया था क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया था। विक्रम की तो मैंने बात भी नहीं उठाई थी, लेकिन रसाल हताश होकर वो सब कुछ बोल गई, वो सारी बातें जो उसके अंदर दबी हुई थी। तुम खुद सोचो रुक्मी, आज रसाल को जब विक्रम का कोई बुरा सपना आता है तो वो परेशान हो जाती, तादिशा से झूठ बोलकर मंदिर का बहाना बनाकर वो उससे मिलने जाती, और फिर दिन भर उसकी देखभाल करती। तुम्हें इन सब बातों में आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही रुक्मी? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि शायद अब फिर से रसाल और विक्रम एक हो जाएंगे? जे ऐसा हो जाएगा तो सबसे घड़ी खुशी हमारी को होगी ठाकुर साहब, तुम्हारी बहन का संसार बस गया। आपको पूरा विश्वास है ठाकुर साहब कि ऐसा वाकई होगा? अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो रसाल को इतना कुछ कहने के बाद और उसकी उसकी वो हालत देखने के बाद मैं उसे माफी मांग लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त रसाल के अंदर विक्रम के लिए जो मैंने तड़प देखी ना रुक्मी, उससे मेरे अंदर की उम्मीद फिर से जाग गई। रुक्मी हो सकता है कि जो काम हमसे अधूरा छूट गया था वो अब पूरा हो जाए, लेकिन इस बार हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसको कोई सलाह नहीं देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस बार उसे खुद ये फैसला करने दो, और सही समय आने पर हम उसे विक्रम से मिलाने में उसका साथ दे देंगे। क्या कहते हो? मारे को कहीं अभी भी ये सब सपना सा लागे, पर जे आपको विश्वास है तो आपके विश्वास पर मैं भी विश्वास रखूंगी। पर जी ठाकुर साहब, विक्रम की तबीयत वाकई खराब है तो हमें भी उसे देखने जाना चाहिए। नहीं रुक्मी, हम विक्रम से मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि हम तो उसे फोन भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे ये सब करने से रसाल को ऐसा लगे कि हम दखल अंदाजी कर रहे हैं या उसके मकसद में रुकावट है। उसे करने दो जो वो कर रही है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा रुक्मी, और तुम देखना जब बात आगे जाएगी तो हम सही वक्त पर उसका साथ दे देंगे, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। ओके? हे भगवान जी महाराज, ठाकुर साहब की ये सोचने पूरा करना, हमारी बहन का संसार फिर से बसा देना। हेलो, मैं अंबिका बोलू हूं। अब थारे को क्या हो गया? ना ना भाभी साहब, मैं ठीक हूं। कठे है तो भाभी साहब, मैं अठे हवेली में ही हूँ। ओह, तो तू मन्नत पूरी करने वास्ते मंदिर ही ना गई, तो विक्रम ने दवाई देने वास्ते कैसे आती?
भाभी साहब, मैं मंदिर जाने वाली थी पर अठे कुछ काम आ गयो। तो काई वादो कियो था तूने विक्रम से कि सुबह 9 बजे मंदिर परिक्रमा करने के बाद तू विक्रम ने खाना और दवा देने आएगी? 11 भी बज गयो है, विक्रम ने दवाई खानो कुछ ना खाया है, थारी वाट देखते बैठे हो है। अरे जब थारे को आना ही ना था तो काई छोटी आस दे गई विक्रम ने? तू तो जाने है ना वो थारी बात ने एक पत्थर की लकीर मान लेवे है। अरे अब तो मारो देवर थारे से दूर जा रहे हो है तो काई छोटो वादो करे है उससे? भगवान के वास्ते रसाल, मारे देवर से खेल ना खेल। मैं समझ सकूं तूने औपचारिकता वास्ते विक्रम से झूठ बोल दियो है, पर थारे में इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि सुबह फोन करके बता दे कि मैं ना आने वाली हूँ। मारी बात कान खोल के सुन ले रसाल, तू अठे खुश है खुश रहे और हम लोगों ने भी खुश रहने दे। आज अगर मारे देवर ने कुछ हो गया ना रसाल, मैं तने कभी माफ ना करूंगी। ही बैठी रही और अपने दोस्त को क्या वादा ना निभा सकी। मारी को विक्रम वास्ते मंदिर और उसके घर जानो ही चाहिए, भले ही इसके वास्ते मारी को एक और झूठ क्यों ना बोलना पड़े। मैं बोलूंगी। मुमल हाबीसा, मुमल मैं घनी दुविधा में पड़ गई हूँ। मैं समझ सकती हूँ भाभी साहब, कल रात घर पर जो भी हुआ वो आप क्या किसी के लिए भी दुविधाजनक की ही बात होगी। कल शायद मैंने थारो विश्वास भी खो दिया ना। नहीं भाभी साहब, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बैठिए बताइए क्या बात है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? निर्मल मैं थारे से कुछ कहने वाली हूँ, तू सिर्फ आया नाम में जवाब देना, थारे को मारे पर विश्वास है तो ही मैं बोलूंगी। भाभी साहब मुझे आप पर कल भी विश्वास था और आज भी है। मारे से सवाल किए बिना तुम मारी बात को जवाब दे कि तुम्हारा साथ देवेगी। मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मैं दूंगी आपका साथ, बताइए। मुमल विक्रम की तबीयत वास्ते मैंने 15 दिन तक मंदिर जाकर परिक्रमा करने को प्रण ली हुआ, ऐसा के हुकुम अनुसार मैं हवेली के बाहर कदम भी ना रख सकूं। कि तू हारे को मंदिर ले जाने में मारो साथ देवेगी। सवालिया नजर से ना देख मुमल, जे मंदिर के बाद मैं विक्रम को दवाई खिलाने के वास्ते ना गई तो उसे दवाई सवेरे खानी थी और वो अब तक मारी बात देख रही है, उसकी तबीयत घनी खराब है। मैं आपको मंदिर ले चलूंगी और तब तक मैं दादी सा को कहकर आती हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ और आपको भी साथ ले जा रही हूँ, और मंदिर के बाद मुझे बाजार भी जाना है ताकि तब तक आप विक्रम के पास रह सकें। ठीक है, मैं दादी सा को बोलकर आती हूँ। बच्चों जैसी जिद ना कर, दोपहर होने को है, मैं द्वार खुला रख के रसाल की वाट देखती रही, ना आवेगी रसाल, तू खाना खा और दवाई ले। ना खाना है मारे को कुछ भी, रसाल ने मारे को वादा की है इसलिए जब तक वो ना आवेगी मैं आपकी कोई भी बात ना सुनूंगा। अभी साहब आप मारे को वो करने को कह रहे हो जो मैं कभी ना कर सकूं। मारो कुछ तो भाभी साहब पर क्यों उतार रहे हो? माफ करते मारी को कि आने में देर हो गई, पर कल से ऐसा बिल्कुल ना होगा, समय पर आ जाऊंगी। दीप, इस समय थारे को ज्यादा से ज्यादा समय थारे पापा साहब के साथ होना चाहिए। मासा मैं पापा साहब के साथ ही तो हूँ और कट्ठे जा रहा हूँ। मारे को मालूम है तू कट्ठे जा रहा है,
थारे को ये पता होना चाहिए कि आज कमल वापस आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके आने के बाद थारे पापा साहब और रणवीर में सुलह करवा दे। अरे मासा भूल जाओ कि कोई सुलह होने वाली है। रणवीर तो रणवीर, उधर असाल ने भी ऐसा कांड कर दिया है कि पापा साहब के दिल में रणवीर के वंश के लिए भी कोई जगह ना होने वाली है। उफ, घणो समय लाग गयो थारे पापा साहब के मन में उनके वंश वास्ते नफरत पैदा करने में। दीप, दीप बेटा। हाँ दादी। ड्राइवर ने गाड़ी लेकर स्टेशन भेज दे कमल को लिवाने के वास्ते। पर मासा, कमल को लाने वास्ते तो मुमल जाने वाली थी। मुमल मंदिर गई है, साथ में रसाल को भी लेकर गई है, और मंदिर से मुमल बाजार जाने वाली है, वहां उसको देर हो जाएगी। दीप, तू ड्राइवर ने भेज दे। कमाल है ना मासा, कल आपके छोरे ने हुकुम दियो थो कि रसाल इस हवेली से कहीं बाहर ना जाएगी, और आज आज आपने रसाल को मुमल के साथ बाहर जाने दियो। इसी वास्ते भेजो है कि मुमल साथ में है, रसाल एकली ना गई है। दीप, छोरा तू ड्राइवर ने भेज दे गाड़ी लेकर। जी अम्मा। अरे मासा, ड्राइवर को भेजने की क्या जरूरत है? कमल तीर्थ से लौट रही है, और कहे हैं कि तीर्थ से लौटने वाले का स्वागत करे हैं तो उसका पुण्य हमें भी मिले। तो मैं और दीप चले जावे हैं कमल का स्वागत करने वास्ते। अरे ये तो और भी अच्छो होवे को। चले जाओ दोनों। मासा, ये आपको क्या सोचो, मैं ना जाने वाला काकी साहब को ले आने वास्ते, आप मारे से पूछे बगैर दादी साहब को बोल दिया कि मैं जाऊंगा, मैं ना आने वाला। छोरा तू घनी चाल चले, पर सही चाल चलने का मौका आवे है तो तू उसे गवा दे। मारे को किसी पागल कुत्ते ने ना काटा है, जो बगैर किसी वजह मैं अपनी देवरानी का स्वागत करने स्टेशन जाऊंगी। मासा, मारे को आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन आप अगर खुलासा कर दो तो। चल रास्ते में बताऊ। कमल कली हो केसर कुमकुम बीच पली हो, ले लूं तुमको मैं बाहों में, मरमर तुम तो धूप कली। चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। अरे तो फिर मैं और क्या पी रहा था? आज खड़े दिनों बाद मैं आपको इतना खुश देख रही हूँ। और सही मायने में कहूँ तो तुम भी मठ से आने के बाद आज पहली बार इतनी खुश लग रही हो। वो कहते हैं ना रुक्मी, एक न एक दिन सभी के दुखों का अंत होता है और एक नया सवेरा होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मठ में कभी सोचा था कि हम एक साथ कभी आगे जाके इतने खुश होंगे? सच कहूँ ठाकुर साहब, मैंने बिल्कुल ना सोचा था, पर ये सब आपके कारण संभव हुआ। अच्छा तो तुम ये मानती हो ना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? हाँ। तो ला, तो के? मेरी फीस। किस बात की फीस? अरे भाई, इस बात की कि मेरी वजह से तुम इतनी खुश हो। आज मैं बहुत खुश हूँ रुक्मी, बहुत खुश। तुम्हारा रणवीर आज बहुत खुश है। बहुत खुश।